नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नए भवन के विधिवत रूप से रखी गई आधारशिला, मंत्री विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला अध्यक्ष से नाराज एक धड़ा ने किया हंगामा, देर तक चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पचम्बा के कन्या विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। विद्यालय को गोद लेकर उसके दशा सुधारने वाले डॉक्टर गुणवंत सिंह के प्रति विद्यालय परिवार ने जताया आभार। मोंगिया ग्रुप के सहयोग से संवारा जा रहा है विद्यालय को। कुएं में बरामद बच्चे के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पालमो के गम्हरिया गाँव से लापता था बच्चा, सदमे में है परिजन। और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन की लाभांश वृद्धि की मांग। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों ने बक्सीडीह रोड स्थित जिला कांग्रेस भवन परिसर पहुंचकर नए कांग्रेस भवन की आधारशिला रखी। मौके पर श्री उरांव ने सभी कांग्रेसियों से शनिवार को आहूत हजारीबाग के ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, साथ ही संगठन मजबूती समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो समेत कई दिग्गज कांग्रेसी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे और बक्सीडीह रोड स्थित जिला कांग्रेस भवन परिसर में नए कांग्रेस भवन की आधारशिला रखी, जिसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत बुके देकर और माला पहनाकर गर्मजोशी से किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि खुशी की बात है कि गिरिडीह में नया कांग्रेस भवन बनने जा रहा है। झारखंड के सभी जिले व प्रखंडों में अब कांग्रेस का अपना भवन होगा। वहीं इन्होंने उपस्थित कांग्रेसियों से शनिवार को आहूत हजारीबाग की ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इधर सदस्यता अभियान पर जोर देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं, तभी संगठन मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री उरांव ने जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा द्वारा कांग्रेस कार्यालय के एक सभा कक्ष का नाम कांग्रेस नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रखे जाने की मांग पर भी सहमति दी। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की स्थिति खराब है, जीडीपी नीचे चला गया है। देश में एक ही क्षेत्र मजबूत था, वो है कृषि, लेकिन अब कृषि बिल लाकर उसे भी कमजोर किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम को विधायक इरफान अंसारी, अशोक चौधरी, आलोक दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष एनपी सिंह बुल्लू, शकील अंसारी, सतीश केडिया, नवीन चौरसिया, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, डॉक्टर मंजू कुमारी, राजेश गुप्ता, ईश्वर आनंद, बलराम यादव, संतोष राय समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में कई लोगों ने जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों का स्वागत अतिथियों ने माला पहनाकर किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर अशोक विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा, जिला महामंत्री सहमुखिया मोहम्मद शमीम, वरुण कुमार सिंह, ऋषिकेश मिश्रा, मोहम्मद सरफराज, तनवीर हयात, सद्दाम हुसैन, आसिम जफर, पप्पू समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह अमर रहे, संतोष
सदस्य हो गई और उनके दिल में चला जाएगा और फिर उनकी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसको मानना शुरू कर देंगे। सदस्य बनाना है हम सबको, इसको ध्यान रखना है भाई वालों, जितने भी हैं सबकी जिम्मेवारी है, फर्जी नहीं बनाए। इतने अनुरोध करता हूँ, मैं खुद निकलता हूँ लातेहार में, गया तो खुद अपने से लिखा और सदस्य बना। ये हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि ठीक है कुछ बिना देखे भी कर देंगे, लेकिन ज्यादा कोशिश हमारी रहे हम देख करके उनको बता करके हम कहें कि आप सदस्य बनिए और सहर्ष स्वीकार कर लेके हम कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं, बनेंगे, 5 रुपये देंगे, तब हमको सदस्य बनाना चाहिए। इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। क्या है कि हम वोटर लिस्ट दे करके बैठ करके रसीद काट दिए, पैसा जमा कर दिए, जमा कर दिए और जिसको किए उसको पता नहीं है कि कांग्रेस का सदस्य। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पूरे राज्य में संकल्प नहीं कर रहा हूँ, पूरे राज्य में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आदमी को घर नहीं है उसको मजबूत बनेगा, जिस आदमी को रहने के लिए घर नहीं है उसको मजबूत नहीं कर सकते। हमारी स्थिति वैसे हमको अपना घर नहीं है, कहीं भाड़े पर या कहीं बीच कहीं जहाँ कहाँ पेड़ चिमके भी हर ठंड में तो पेड़ों करके बैठ के हम लोग मीटिंग करते, ये हकीकत है। तो हम अपने को बहुत मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथी केशव जी हैं, इरफान साहब हैं और बाकी प्रेसिडेंट हमारे जो हैं जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक जी हैं, सब मिलकर इस पर चर्चा की हम लोग और कहे कि हमारा घर बना चाहिए। तभी हम मजबूत हो पाएंगे जब हमें हर जिले में हर प्रखंड में एक एक घर हो। उसी क्रम भूपेंद्र जी उनके अपने साथियों के साथ है चर्चा चली कि आपका तो घर है घर लेकिन बहुत छोटा है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। बोले कि किसे बना दीजिए, गांव से पैसा आएगा, अभी तो पार्टी के पास है नहीं। तो बोले कि उसे चिंता मत कीजिए, केडिया साहब थे है ना, धन्यवाद दूंगा। अभी चौरसा जी का नाम आया, 6 लाख की कितना दिए, 6 लाख दिए, 6 लाख दिए। अजय जी हैं है ना, अजय जी आप जो कहिएगा वही होगा। नरेंद्र जी को हम सभी, नरेंद्र जी हम लोग के प्रिय थे, अब ऊपर वाले बुला लिए तो हम लोग का उस वक्त पास चलता नहीं है कुछ है। केंद्र सरकार की वजह से अच्छी नहीं, जब नोटबंदी किए थे तब हमारे दिग्गज अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी से क्या कहा था पार्लियामेंट कि इस घटना से नोटबंदी से कम 2% GDP घट जाएगा, ग्रोथ रेट घट जाएगा 2%। मजाक उड़ाया गया मोदी जी और उनके साथियों ने मजाक उड़ाया, घटिया स्वस्थ के आदमी विरोधी हमें इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इससे तो हमारे बढ़ोतरी होगी, हमारा जो काला धन था सब निकल आएगा। कुछ नहीं हुआ, काला धन निकला नहीं, काला धन और बढ़ गया। लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्री दोनों मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी बोले तो वही हुआ 7.5% उस समय था ग्रोथ रेट, GDP घट करके 4% हो गया, 3% घट गया और अभी तो और घट गया। ये स्थिति है देश की, देश की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और एक ही सेक्टर अर्थव्यवस्था का काम कर रहा था बढ़िया से, वो था कृषि। कृषि को भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि अभी हाँ भी मन दिया जाएगा, कृषि में भी मन दिया जाएगा, बाकी तो सब जगह में इंडस्ट्री में सर्विस सेक्टर में मंदी आ गई थी पहले से इन लोगों के करतूत के चलते। अब ऐसा कर दिए हैं कि एग्रीकल्चर में भी कृषि में भी मंदी आ जाएगी, बहुत से किसान छोड़ देंगे किसानी करना। क्यों छोड़ देंगे, कोई बंधुआ योजना कैसे बनेगा, क्यों बनेगा बंधुआ योजना। मैं कह रहा हूं, मैं भी 8 साल का विद्यार्थी रहा, जिस तरह से FCI को खत्म कर रही है सरकार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 3.5 लाख करोड़ इसमें कर्जा FCI पर, और भारत सरकार दे नहीं रही है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है।
अल्पसंख्यक कमेटी के लोगों और कई पुराने कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में बैठने की जगह नहीं दी गई। कहा कि पूर्व में हुए कार्यक्रम के दौरान भी इस तरह की कुव्यवस्था की गई थी और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के ठीक पहले जिलाध्यक्ष पर अल्पसंख्यक कमेटी के लोगों और कई पुराने कांग्रेसियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर कुछ कांग्रेसियों ने जमकर बवाल किया। आधारशिला कार्यक्रम में पहुंचे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी समेत दिग्गज कांग्रेसियों के सामने भी नाराज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ मंच पर वित्त मंत्री समेत दिग्गज कांग्रेसी बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बैठ कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कमेटी के लोगों को बैठने की जगह नहीं दी गई। कहा कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं उन्हें आगे की कुर्सी में जगह दी गई है। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूर्व के कार्यक्रम के दौरान भी इस तरह की कुव्यवस्था की गई थी और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था। इधर प्रदर्शन और हंगामा होता देख जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। ये 40 साल के 50 साल 55 साल उम्र हो रहा है लेकिन आज तक हम कांग्रेस कार्यालय में नहीं बोले, लेकिन आज आप लोगों ने वो काम किया जो सर से ऊपर पानी चला गया। हम पूछना चाहते हैं पुनर्विचार, उसको नहीं कहते हैं। नहीं नहीं परसों क्या बैठिएगा आप बैठिए, नहीं हम किसी को बात नहीं माने, हम किसी को बात नहीं माने। हम लोग मंत्री के सामने, मंत्री के सामने बोलेंगे, उसके सामने बोले आप अपना मंत्री इससे अलग रूम में नहीं अलग क्यों बात करें, कार्यक्रम के दौरान बोलेंगे। आप हमको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, हम आपसे बड़ा पद में रामेश्वर जी है कि नहीं, उनके सामने हम खुल के बात करेंगे, सबको बात करेंगे। निर्णय लेना आपका काम है, निर्णय आप दूसरा लेगा, जिलाध्यक्ष आप दूसरा को लेगा, निर्णय आप घर के मुखिया है। सवाल हम आपसे करेंगे, सवाल हम आपसे करेंगे। बात बोल रहे हैं कि हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल कहता है जो सम्मानित व्यक्ति है उनको सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोई एरुगरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस डिसिप्लिन और अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन इस पार्टी को लोगों ने बना दिया कि लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी से मतलब कर दिया। हम लोग का ये क्या है,
सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी हैं निश्चित तौर पर काफी डिसिप्लिन अध्यक्ष जी, और मैं गिरिडीह का प्रभार में हूँ, इंचार्ज भी हूँ, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा मैं लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा था, अध्यक्ष जी पहले आ गए, मैं थोड़ा बाद में आया, मुझे लगा कि सब कुछ यहाँ ठीक ठाक होगा, लेकिन ठीक ठाक तो हम कर लेंगे। शुरुआत में कुछ नोकझोंक हुआ, मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कार्यकर्ताओं से, मैं कहना चाहता हूँ बोर्ड में नाम है नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, बोर्ड तो तोड़ फेंक देंगे, नया नाम चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस की छवि जो अगर मीडिया के सामने जो आपस में भिड़ा, मीडिया में भी चल रहा है अभी कांग्रेस में भिड़ गए आपस में भिड़े कुर्सियां तोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जो लोग धरना पर बैठे हैं आप लोग को कोई बात था तो निश्चित तौर पर आप लोग हमको देते, इंटीमेट करते, मैं आपका सुझाव करता। मैं ये भी जानता हूं, मैं सच कहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पार्टी के लिए ध्यान डाल भैया अपनी उम्र गवा दी, वैसे लोगों को चेयरमैन बनाइए, निगरानी के अध्यक्ष बनाइए, मुझे खुशी होगी, मुझे दिल से खुशी होगा, ऐसे लोगों को पार्टी में लाइए, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, तभी हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा, एक सीख मिलेगी। उसको चेयर लगा दिया मतलब कांग्रेस में पैसा से एकदम आपको बताते हैं जानते हैं जिला में एक बात जिला में लूट खसोट हो रहा है, जिला में छोड़िए तब भाग जाएगा मत पूछ मतलब क्या है जिसका वो, इसका ने जो बीजेपी को वोट देता वो सब आके चेयर में बैठे। कभी कोई राय, हम लोग सीनियर आदमी, कभी कोई मशवरा राय मशवरा कभी कुछ नहीं, कहीं रैली हुआ कुछ हुआ अपने व्यवस्था करके चला गया, पूरे कार्यकर्ता को लेकर चलना चाहिए, कोई भी मैटर नहीं, ये लोग कभी ऐसा नहीं करता। अच्छा कुछ लोग ऐसा है जो कल पार्टी में आया है, रांची गया पैसा खर्चा किया पदाधिकारी बन के चला, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी बन के चलाया पैसा खर्चा करके, यहाँ उसका कोई जनाधार नहीं, न पार्टी में कभी रहा है, कौन दरकिनार कर रहा आप लोगों को, कर रहा है यहाँ का व्यवस्था जिलाध्यक्ष कर रहा है, अपना मनमाना कर रहा दिक्कत ये है कि हमने चेयर का मुआयना किया जिसमें गिरिडीह जिला से किसी भी माइनॉरिटी को उस चेयर में माइनॉरिटी के लोगों को नहीं बैठने का व्यवस्था किया, मुझे तकलीफ इस बात चाहिए था, आप लोग को जगह नहीं मिला, हाँ विरोध कर रहे हैं करूंगा, दूसरी बात है मंत्री के सामने विरोध करेंगे, अभी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, तो इस कार्यक्रम का विरोध है आप लोग, नहीं नहीं कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे, कार्यक्रम कांग्रेस के भवन का शिलान्यास है, हम भी उसमें सहभागिता है, लेकिन जो व्यवस्था किया है मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। किसने किया? जिला अध्यक्ष। बस स्टैंड रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने राज्य के जन वितरण विक्रेताओं के जीवन स्तर में सुधार और लाभांश में वृद्धि की मांग की। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को एक ज्ञापन सौंपा और राज्य के जन वितरण विक्रेताओं के जीवन स्तर में सुधार और लाभांश में वृद्धि की मांग की। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह गिरिडीह नगर अध्यक्ष एस अजहर आलम की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि राज्य सरकार एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने कई बार प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों को भरोसा दिया कि राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के जीवन स्तर में सुधार और लाभांश वृद्धि के लिए जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है जिससे विक्रेताओं में आक्रोश है। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने मंत्री श्री उरांव से सभी विक्रेताओं को वितरण कमीशन
राशि दोगुना करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष एस अजहर आलम के अलावे ज्योतिन्द्र प्रसाद, सचिव उमा चरण दास, संयुक्त सचिव राजेश कुमार बंसल, कोषाध्यक्ष गोपाल साहू, नगर सचिव संजय कुमार झा, नगर उप सचिव सूरज गुप्ता, नगर संयुक्त सचिव शमीम अख्तर, नगर कार्यकारिणी सदस्य दीपेश कुमार, इंद्रजीत चक्रवर्ती समेत एसोसिएशन से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव का पदार्पण हुआ। आज एयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल जिसमें जिला सचिव राजेश कुमार बंसल, नगर अध्यक्ष व प्रदेश कार्य समिति सदस्य सैयद अजहर आलम, नगर महासचिव संजय झा, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल साहू ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से आज जो समस्या बनी हुई है पूरे झारखंड और गिरिडीह में कि जो इंटरनेट है वो काम नहीं करता, जिसके कारण से लाभुकों को राशन लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, और 4G के ज़माने में आज भी 2G का चलन चल रहा है। इसलिए हमने एक मांग रखी है झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री के सामने कि जल्द से जल्द हमें 4G की सुविधा मुहैया कराएं, ताकि हम लाभुकों को सही समय पर और बिना हुचत के खाद्यान्न का वितरण कर सकें। अगर जब तक ये 4G की व्यवस्था नहीं होती है तो पूर्व के भांति OTP सिस्टम से जो हम लोग राशन दे रहे थे लॉकडाउन काल में, वो बहाल किया जाए। और हमारी मांग, एक मांग और है मुख्य मांग, कि हर अन्य प्रदेशों के भांति हमारा जो कमीशन है वो 2.5 रुपया किया जाए। अभी जो कमीशन सरकार हमें 1 रुपये दे रही है उससे हमारे दुकान का भाड़ा नहीं निकलता, तो हमें उम्मीद है और भरोसा है कि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत के गम्हरिया गांव से लापता पिंकू पंडित के पुत्र शिवम पंडित का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया। शुक्रवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इधर परिजनों ने मामले को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की है। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत के गम्हरिया गांव से लापता हुए 11 वर्षीय बच्चे शिवम पंडित का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया। शुक्रवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। अस्पताल पहुंचे बच्चे के परिजनों ने मामले को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया गया कि गम्हरिया गांव के रहने वाले पिंकू पंडित का 11 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार बुधवार की शाम घर से खेलने कूदने के बाद कहकर निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। बच्चे के परिजनों ने मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया था और बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई थी। गुरुवार की शाम शिवम का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शुक्रवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इधर बच्चे के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। अस्पताल पहुंचे बच्चे के परिजनों ने कहा कि किसी ने शिवम की हत्या कर दी है। अरे चिरे, ए भैया उसमें एक पखल बांधो कसिया। मामू घर में रहता था ना, के ना पढ़ रहा है, यहाँ रह रहा है, नया जा रहा है, लैपटॉप नया रहा, इसलिए नहीं बन रहा है। अभी निकला हुआ था जब खेलने के लिए, देखा कि मतलब 2-4 बच्चा जब आ गया घर, उसका खाने का टाइम हुआ, जब उसको देखें कि नहीं आ रहा, शाम 5 बजे तक इंतज़ार किए, जब नहीं शाम 5 बजे तक आया तो उसका खोजबीन करने लगे। 12 बजे रात तक सब जगह छानबीन किए, कहीं कोई नहीं पता चला। 18 तारीख को फिर दिन भर चारों तरफ खोजबीन किए, नहीं मिला। शाम को अचानक पता चला कि कहीं से कोई आदमी भागते हुए जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग जब दौड़ते हुए गए तो कुएँ में देखें कि इसका चप्पल पानी में तैरता हुआ। उसके बाद ही 5 मिनट के बाद ही प्रशासन वहाँ पर पहुँचा और सबको निकाला। कब से लापता हुआ था? 17 तारीख को शाम 4 बजे से। क्या नाम था बच्चे का? शिवम कुमार। उसके पिता का? पिंकू पंडित। कहाँ का रहने वाले? पाल। कौन सा थाना है? मुफस्सिल।
कोठी बाजार स्थित एसपी कोठी के समीप एक नाले से एक नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के समीप एसपी कोठी के निकट स्थित नाले से एक नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात के शव मिलने की बात सुनकर काफी संख्या में आसपास के लोग जुटे, जिसके बाद मामले की जानकारी नगर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्कॉलर बीएड कॉलेज में चल रहे ईपी इग्नू परीक्षा के दौरान गार्डिंग कर रहे शिक्षकों द्वारा सरिया ब्लॉक के जेई को कदाचार करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। बताया गया कि इससे पूर्व भी जेई ऐसा काम कर चुका है, जिसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में चल रहे ईपीए इग्नू परीक्षा के दौरान सरिया ब्लॉक के जेई को कदाचार करते हुए गार्डिंग कर रहे शिक्षकों के द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। इस बाबत एग्जामिनेशन कंट्रोलर बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने बताया कि निष्कासित किया गया जेई पहले भी ऐसा कार्य कर चुका है, जिसका फुटेज रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। आज पुनः परीक्षा में चीटिंग करते हुए शिक्षकों ने इन्हें पकड़ा, जिसके बाद इन्हें परीक्षा से एक्सपेल्ड कर दिया गया है। 2021 को ईपीए 3 के एग्जाम में कदाचार करते हुए पकड़ा गया था। इसमें शिक्षकों की कोई लापरवाही अथवा किसी भी तरह का कोई लोग का ही नहीं रहा है, और आज मैं फिर प्रश्न पत्र बदली करते हुए पकड़ा गया। इसमें भी शिक्षकों की कोई गलती या प्रशासन प्रबंधन की कोई गलती नहीं, मेरी गलती, मैं स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जेई सरिया ब्लॉक में कार्यरत हैं, इग्नू के टर्मेंट परीक्षा दे रहे हैं। 12 तारीख को ईपीए 3 के द्वितीय पाली के दरमियान कदाचार करते हुए शिक्षकों द्वारा इन्हें पकड़ा गया। इन्होंने आरोप लगाया कि ये सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि की जाए, शायद यह अनभिज्ञ थे कि सीसीटीवी यहां लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में उस दिन भी कदाचार करते हुए इनको देखा गया और उसके आधार पर इनको परीक्षा से मुक्त किया गया। आज पुनः सीसीटीवी कैमरा एवं शिक्षक के ऐसे कहने पर इसकी पुष्टि की गई। आज पुनः एसएसटी परीक्षा के दरमियान ये क्वेश्चन पेपर का एक्सचेंज कर रहे थे, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जा सकती है। पिछले दिन 12 तारीख का इनका व्यवहार भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। शिक्षकों पर, केंद्राधीक्षक पर एवं संस्था पर ये आरोप लगा रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सभी विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को शुभकामना देता हूँ, उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन चूंकि ये सरकारी कार्यरत कर्मचारी हैं, इनको अपने व्यवहार में थोड़ी सहजता और निर्मलता लानी चाहिए। इस तरह के कदाचार नहीं करना चाहिए और करते हुए पकड़े जाने पर भी व्यवहार संतुलित और संयमित रहना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर आगामी 20 फरवरी को आयोजित होने वाले सुंदरकांड पाठ सह भक्ति जागरण कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान इन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण की खुशी और बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर यह सामूहिक सुंदरकांड पाठ और कार्यक्रम किया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में आगामी 20 फरवरी को बजरंग कृपा संघ के द्वारा सुंदरकांड पाठ सह भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने हनुमान मंदिर के निकट प्रेस वार्ता कर दी। इस बाबत इन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के खुशी और बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर 20 फरवरी को हनुमान मंदिर प्रांगण में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ तथा भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। इन्होंने शहर वासियों से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने की अपील की है। दिनांक 20/2/2021 दिन शनिवार को बड़ा चौक हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री सुंदर कांड का सस्वर पाठ एवं राम सस्वर पाठ
राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में, साथ ही श्री बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री बजरंग कृपा संघ के तत्वाधान में रखा गया है। यह कार्यक्रम उक्त तिथि को 5 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक चलेगा। सस्वर पाठ है, बाहर से कलाकार आ रहे हैं। आप सभी राम भक्तों से और गिरिडीह के शहरवासियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। साथ ही साथ वहां पर सवा मणि का भोग भी लगाया जाएगा हनुमान जी को, और भोग का भी, शाही खिचड़ी का भोग का भी व्यवस्था किया गया है। तो जो भी लोग आएँ वो प्रसाद पाने के उपरांत ही वहाँ से जाएँ, ऐसी कामना करते हुए बजरंग कृपा संघ आप सभी लोगों को आमंत्रित करता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जिले के सभी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने का जमकर विरोध करते हुए आगामी 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर गिरिडीह जिले के सभी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस बाबत अगुवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि बीमा कंपनियों में FDI 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा तथा IDBI बैंक समेत 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 1 सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संस्था को निजी हाथों में बेचने की कोशिश कर रही है, जिसका यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन विरोध करता है। इसी के विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और आगामी 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। यहाँ प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संयोजक दिलीप कुमार, सह संयोजक पवन, बेंजामिन मुर्मू, उदय सिंह, चंद्र प्रकाश, दीनानाथ सिंह, पंकज कुमार, राकेश पांडे समेत अन्य बैंक कर्मी शामिल रहे। ये तख्त जब बदलती है, पार्टियां जब शासन जब स्थानांतरण होता है, उसकी जो अपनी सोच होती है। और आप एग्री करोगे हमसे कि हम लोग 3 खेमे में बटे हुए हैं, कोई किसी के दिल में आए कोई बोल नहीं पाता है, हम बोल दिए हैं आपके सामने, यही सच्चाई है। ये ग्राउंड रियलिटी जिसको आप कहते हो, दिस इज द ग्राउंड। सभी स्ट्रॉन्गर बैंक है, इस तरह की बातें हम बैंक में, अंबानी जो बोलेगा कि हमको ये बैंक दे दो, हमको ये बैंक दे दो, तो आज एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना है, वो एक अलग तरीका है, लेकिन सच्चा आज दिनांक 19 फरवरी को पूरे देश भर में UIPO के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार का बजट भाषण में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेटाइज करने का, निजी हाथों में सौंपने का जो प्रस्ताव रखा है, इसके विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के गिरिडीह जिला इकाई के बैनर तले हम अपने गिरिडीह शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एवं आने वाले अगले महीने मार्च में 15 एवं 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल होगा, उसके बाद भी अगर सरकार निजीकरण की ओर अपनी कदम बढ़ाती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग यही है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसको राष्ट्रीयकृत ही रहने दिया जाए, उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, किसी निजी हाथों में उसको ना बेचा जाए एवं आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों का मिले। पचम्बा स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, DSO गौतम भगत और मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया और स्कूल के वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त और श्री मुंगिया ने स्कूल में वायरिंग, पंखे, रंग रोगन आदि सभी तरह के बाकी काम को जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, DSO गौतम भगत और मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने शुक्रवार को पचम्बा स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मौके पर स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि हमारे स्कूल की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए गुणवंत सिंह मुंगिया ने जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय है, इसके लिए हम पूरे स्कूल परिवार की ओर से इनके आभारी हैं। बता दें कि उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने इस विद्यालय के संरक्षण और आधारभूत संरचनाओं के विकास का जिम्मा लिया है। इधर निरीक्षण के बाद उपायुक्त और श्री मुंगिया ने कहा कि स्कूल में जितने भी तरह के काम बाकी हैं, उन्हें जल्द ही पूर्ण करा लिया जाएगा।
ताकि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बताया गया कि स्कूल में वायरिंग, पंखे आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बाहर बाउंड्री वॉल को प्लास्टर कर रंग रोगन किया जाएगा। वहीं स्कूल परिसर के आसपास पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। आज उपायुक्त महोदय के द्वारा CSR के तहत मुंगिया स्टील के द्वारा जो काम कराई जा रही है हमारे कन्या मध्य विद्यालय पचम्मा में, उनका निरीक्षण करने के लिए वो आए थे। साथ में हमने कुलवंत जी को भी बुलाया था कि वो देख लेंगे हम लोगों की यहाँ क्या क्या काम हमने कराया है और कौन कौन से काम क्या सकता है। हम शिक्षिकाओं से बात करके उस कार्य को पूरा कराने के लिए इनसे अनुरोध किया है। बातचीत के क्रम में पता चला कि हमें बाउंड्री वॉल के लिए बाहरी दीवार को प्लास्टर करना है, रंग रोगन करना है, कुछ एक जगह पे मिट्टी डलवानी है, थोड़ी सी क्या कह रहे थे उसको सामने के बरामदे के ऊपर मतलब पेट्राफाइड टाइल्स लगवाना है, कुछ एक पंखे की आवश्यकता है, वायरिंग की आवश्यकता है। ये सब रिक्वेस्ट इनसे हम लोगों ने किया है। अब हम मुंगिया जी से चाहेंगे कि इन्होंने कुलवंत जी से चाहेंगे कि ये अपने भावना से हमको भी अवगत कराएं, आपको भी अवगत कराएं, सबको अवगत कराएं। और ये इनकी इच्छा भी हमें देख रहे हैं कि इनकी इच्छा प्रबल है। ये चाहते हैं कि बच्चे आने से पहले विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएँ भरपूर हो जाएँ ताकि बच्चों की कोई आने के बाद कोई पढ़ाई की कमी नहीं हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 8 से 10 दिन के अंदर फिर इस विद्यालय में 2-4 शिक्षक शिक्षिकाओं का पोस्टिंग करूंगा। मैं उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे एक ऐसे काम से जोड़ा है जिसमें मुझे भी हार्दिक खुशी मिलती है। तो इस विद्यालय के विषय में मुझे कहा गया कि इस विद्यालय को मैं अच्छे से मेंटेन करना है, इसको बनवा देना है। तो ये जहाँ जहाँ पर इसमें कमी थी, जैसे मेन बिल्डिंग में ढलाई की कमी होने की वजह से इसमें पानी चूता था, तो बच्चे किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, तो उसमें पहले ढलाई करवा के और दोनों आसपास के जो बिल्डिंग है दोनों बगल, इस दोनों को पूरा दोबारा जीर्णोद्धार किया गया ताकि उसमें जहाँ पर भी टूट फूट है उसको अच्छे से मेंटेन करा करके और सारे विद्यालय को रंग रोगन कराते हुए, और इसकी सारी बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, सारी बाउंड्री वॉल नई बनवा करके और इसमें वृक्षारोपण आसपास में, जो कि हमेशा से ध्यान रहा है कि वृक्ष जरूर हर जगह लगने चाहिए, जो कि एक मुझे ऐसा लगता है कि एक गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को इसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए वृक्षों के प्रति हमारा हमेशा से ध्यान रहा है। तो इसमें पौधारोपण और आसपास में जितनी आवश्यकता है, बाहर में भी इसे सुंदरता भी बढ़ती है विद्यालय की और एक वातावरण भी अच्छा होता है, एक पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जहाँ जहाँ पर वृक्ष लगाए जा सकते हैं उसका सारे कुछ बनवा दिया गया है, और इसमें बहुत सारा ये पेवर्स ब्लॉक वगैरह आसपास में जहाँ जहाँ पर वृक्ष लगाने हैं उसके बाहर में जैसे पैदल चलने की जगह बना करके, और अभी हमारे पास में टाइल्स लगाने का प्रस्ताव आया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि टाइल्स जितनी जल्दी लग जाएं, 1 मार्च से बच्चों के पढ़ाई शुरू होने के विषय में जानकारी मिली आज, और भी अच्छा लग रहा है कि अब फिर से पढ़ाई शुरू होगी, विद्यालय फिर से एक हरे भरे नज़र आएंगे, बच्चों के साथ नज़र आएंगे। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी की जाए, शिक्षक मिलें, और उसके साथ साथ बच्चे तभी आएंगे जब शिक्षक होंगे, पढ़ाई होगी। सिर्फ विद्यालय बनाने से कोई सजावट की चीज़ तो नहीं है, विद्यालय हों तो उसमें शिक्षक हों, बच्चे हों, और इसका लाभ आसपास के लोगों को ज़रूर मिले और अच्छे से पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, उसके लिए अच्छे शिक्षक यहाँ पर देने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, हमने जिस चीज़ पर ध्यान दिया है, जिस विद्यालय को हम लोगों को दिया गया है कि इसका अच्छे से जीर्णोद्धार करना है, तो इसमें जितना गड्ढा था इसमें मिट्टी भरवा के जिस तरह से उसको बराबर कर दिया गया है, उसी प्रकार इसमें जो जो भी काम की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह से अभी रंग पेंट होकर एक सुंदरता नज़र आने लग गई है, उसी प्रकार इसमें और छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और हम इसमें मेरा लगाव जिसमें रहता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से इस काम को कर सकूँ, इसलिए हम अपने लोगों को जोड़ेंगे और हम इसमें हमेशा आते जाते रहें ताकि एक लगाव भी बना रहे और एक हमेशा इसमें कुछ ना कुछ इसका काम आगे बढ़ता रहे, ताकि जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, जितना स्कूल समृद्ध होगा, उतने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। तो सभी को जोड़ने का मेरा प्रयास है कि इसमें हम लोग, हमारी सारी टीम जुड़े और इसका काम अच्छे से हो। जिस प्रकार से हम लोग मुंगिया का काम जो भी करते हैं वो एक दिल लगा के और अच्छे से करते हैं, उसी प्रकार यह विद्यालय भी उसी प्रकार चमकना चाहिए जिस प्रकार मुंगिया का नाम चमकता है। तो मेरा यही विचार है कि विद्यालय सारे ज़िले में 1 नंबर होना चाहिए, 1 पर आना चाहिए, यही मेरा प्रयास है।
और इसी के पीछे मैं लगा रहूँगा, तो मेरे पूरा भरोसा है कि हम इसको इस को कर पाएंगे और इसको एक नंबर पर ला पाएंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नए भवन के विधिवत रूप से रखी गई आधारशिला, मंत्री विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला अध्यक्ष से नाराज एक धड़ा ने किया हंगामा, देर तक चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पचम्बा के कन्या विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। विद्यालय को गोद लेकर उसके दशा सुधारने वाले डॉक्टर गुणवंत सिंह के प्रति विद्यालय परिवार ने जताया आभार। मोंगिया ग्रुप के सहयोग से संवारा जा रहा है विद्यालय को। कुएं में बरामद बच्चे के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पालमो के गम्हरिया गांव से लापता था बच्चा, सदमे में है परिजन। और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन की लाभांश वृद्धि की मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।